श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं? मैं समझती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और अभी आ रहा है कितना शुभ संयोग, 30 तारीख को है हमारी सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या के साथ साथ उस दिन शनि जयंती भी है। उस दिन इतना शुभ संयोग है कि सोमवती अमावस्या का आपको यानी सभी पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही वट सावित्री व्रत भी उसी दिन है। यानी तीन तीन चीज़ों का आप एक साथ लाभ उठाएंगे एक ही दिन के लिए। तो देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, जैसे वट सावित्री की सिंपल सी एक कथा है कि जो सावित्री नाम की कन्या थी उसका विवाह एक लक्कड़हारे से हो गया था, सत्यवान से, और वो एक अच्छे कुल की थी और वहाँ से आई थी। तो वो अपने पति को बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसका पति जब लकड़ियाँ काटने गया तो वहीं पर उसकी एक दिन अकाल मृत्यु हो गई और उसने उसको अपनी गोद में रख लिया और उसने कहा कि मैं यमराज से आपको मांग कर रहूँगी। यानी कि सत्य में बहुत बड़ी ताकत होती है और उसने यमराज से आशीर्वाद ले ही लिया। उन्होंने आशीर्वाद में मांगा कि मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करें। जब सौभाग्यवती कहा तथा अस्तु, तो इसी के साथ उन्होंने कह दिया कि मुझे पुत्रों यानी सात पुत्रों की माँ भी बनना है, तो सात पुत्रों का आशीर्वाद भी मिल गया। और साथ ही उसमें उन्होंने कहा कि मैं अखंड सौभाग्यवती रहना चाहती हूँ, इसी के साथ साथ उन्हें और मैं हमेशा सुख के साथ रहना चाहती हूँ। यानी तीन तीन आशीर्वाद उन्होंने ले लिए यमराज जी से उनके पीछे पीछे चलते चलते, और कहा जब आपने मुझे सौभाग्य लौटा दिया, अखंड सौभाग्य दे दिया, मुझे पुत्रों का आशीर्वाद दिया, तो मुझे मेरा पति जीवित चाहिए, और उनको लौटाना पड़ा। वो समझ गए थे कि ये जो है स्त्री बहुत ही पतिव्रता है और उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया। तो इसी तरह से हम जब उस वट वृक्ष की पूजा करते हैं, यानी वट वृक्ष की आयु बहुत सबसे लंबी आयु होती है वृक्षों में, और इसलिए वट वृक्ष की पूजा की जाती है कि हमारे पति की आयु भी उसी तरह से 1000 वर्ष 500 वर्ष जो भी है वो हो। यानी कि इतनी तो किसी भी पुरुष की नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उनकी जो है अपने लिए अखंड सौभाग्य मांगते ही हैं। इसके साथ में ही अगर हम जो है उस दिन शनि जी की अगर करते हैं पूजा, यानी कि एक तिल के तेल का दिया या फिर हम सरसों के तेल का दिया शनि देव पर रखते हैं, उसमें थोड़ा सा उड़द डालते हैं, थोड़ी सी गुड़ डाल देते हैं, थोड़ा सा हम उसके अंदर बेली राई डालते हैं, एक का सिक्का डालते हैं और वो रख करके उन्हें चढ़ाते हैं, और साथ ही ओम शम शनिश्चराय नमः, शनये नमः, ओम श्रीम ओम प्राम प्रीम प्रोम सम शनिश्चराय नमः, ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमागजम छाया मार्तंड संभूतम और तम नमामि शनिश्चरम नमः का मंत्र का जाप करते हैं और उनकी आरती करते हैं। जय जय शनिदेव भक्तन के हितकारी, है ना, इस तरह से हमें करना है। और तो दोस्तों, अगर आपको जो है शनि का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उस दिन सोमवती यानी सोमवार है, यानी कि शिव का आशीर्वाद भी आपके साथ है, तो उस दिन हमें शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शाम के समय अगर हम एक पूजा और करते, यानी सुबह में हमें करनी है वट वृक्ष की पूजा, उसमें एक धागा लपेटना होता है 7 बार और अपने अखंड सुहाग की कामना करनी होती है। हमें उसमें पकवान चढ़ाते हैं, छोटे छोटे बरगद के हम बरगुले बनाते हैं उस पर चढ़ाने के लिए मीठे, और उसमें गुड़ रखते हैं, उसमें हम चने की दाल रखते हैं, उसमें थोड़ा सा हम हल्दी रखते हैं, उससे कुमकुम आदि का सतिया लगाकर उसमें पूजन करते हैं, साथ ही 7 बार धागा लपेटते हैं। इस तरह से अगर हम पूजा करते हैं तो वट वृक्ष की, तो हमारी जो है हमें अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है, साथ ही सोमवती अमावस्या के कारण हमें अपने पितरों का आशीर्वाद प्रदान होता है। इसी तरह से हम उस दिन जो है अपने अंगूठे की साइड से, जैसे ये मेरा अंगूठा है, इसकी साइड से हम जल डालते हैं, सीधे हाथ से जल डालेंगे, और यहाँ से जल डालते समय हमको ओम समस्त पितृ देवतोभ्यो नमः, समस्त पितरों ने यह गंगा स्नान में जाकर करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा सहयोग बन रहा है। तो दोस्तों एक बार करके देखिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सोमवती अमावस्या की शुभकामनाएं, साथ ही आपको वट सावित्री व्रत की भी आपको अखंड सौभाग्य की शुभकामनाएं, गुड लक दोस्तों। इसके साथ ही मैं आपको जो है शनि देव का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है, यानी उस दिन हनुमान जी भी आपसे स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक हनुमान चालीसा वहाँ बैठकर पढ़ने से, जो दक्षिण मुखी हनुमान जी होते हैं अगर आप उसे पढ़ते हैं तो, इसलिए ज्येष्ठ मास में अगर आप, ये ज्येष्ठ मास है, इसमें अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सभी देवताओं का आशीर्वाद इस तरह से प्राप्त हो जाता है। तो इसी के साथ मैं आपसे इस वीडियो में विदा लेना चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय श्री कृष्णा, शुभकामना।